शाबाश भाई, शाबाश। आ रहा है, आ रहा है 19 तारीख को। आ रहा है भाई। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टपरी टॉक्स। और आज हम लोग फिर से काफी लंबे गैप के बाद आ गए हैं, डांट फटकार पड़ने के बाद कि तुम लोग क्यों नहीं वीडियो डालते हो। यस ब्रो। और देखिए, सिंपल सी बात है, आप लोग इंडिया में हैं तो क्रिकेट देख रहे होंगे जरूर। और आजकल कॉफी की बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है कॉफी को लेकर। कॉफी पीने वालों के साथ कुछ ना कुछ घटना घटी जाती है, कलेश होते ही रहते हैं। एक शो है कलेश जोहर का, जिसमें आपने देखा होगा कि भाई कॉफी पिए और माफी मांगे लास्ट में कि भाई, मतलब प्यार के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह ने जो कबीर सिंह की तरह ऐसे देखा है, बहुत बहुत गलत बात है। इसलिए हम लोगों ने तो स्टार्टिंग से चाय रखे भाई। देखिए, चाय पिए और चाय के साथ जो बात होती है, हम दोनों के बीच में अगर आए तो सिर्फ एक केतली आई है और कुछ। नेवरतheless भाई दोस्तों, स्टिक टू चाय। ठंडी वंडी भी आ गई है तो चाय इज द आंसर फॉर ऑल द लवर्स। ठंडी वंडी शंडी, चाय नहीं होनी चाहिए ठंडी। भाई देखिए, कॉफी ठंडी हो सकती है लेकिन चाय मतलब आपने आइस टी। और जहाँ इतना सब कुछ चल रहा है वहीं पे इधर टाइगर 3 आने वाली, और उधर से आया ऐसे डंकी का टीजर ड्रॉप भाई। और क्या ड्रॉप किया है बंदे ने, माइक ड्रॉप करने का मन करके वो टीजर ड्रॉप करके। लेजेंड भाई, मतलब आप देख सकते हैं जैसे वर्ल्ड कप की अगर बात चल रही है तो उससे थोड़ा सिमिलैरिटीज निकालें। जैसे रोहित और विराट खेलते तो जीत पक्की होती है, वैसे इसमें मतलब जोड़ी है हिरानी और शाहरुख खान की जोड़ी है, तो एकदम 100% जीत पक्की है। और टीजर का ड्रॉप 1 बहुत अच्छा, बहुत फनी भी है, बहुत ह्यूमरस भी है, इमोशंस भी दिखाए हैं, कैरेक्टर्स भी दिखाए, मतलब इतने से ड्रॉप में आपको मजा आ गया देख के कि यार न्यू ईयर पे आपको इतनी बढ़िया फिल्म देखने को मिलने वाली है, इतनी अच्छी जोड़ी। मतलब जितना स्टोरी से पता चला है कि लोग लंदन जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, और इनका जो दोस्त है, जैसे शाहरुख खान कहते हैं कि भाई ये फैमिली है, और इनको वो लंदन पहुंचा के पहुंचाना चाहते हैं, यही मेरे को बेसिकली शुरू से ये बताया जा रहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स की स्टोरी है, वो लोग कैसे पहुंचते हैं, और वो जो इलीगली जाते हैं उन लोगों को डंकी बोलते हैं। तो फिल्म को डायरेक्ट किया है ऑफकोर्स वन एंड ओनली राजकुमार हिरानी ने, ठीक है। उनकी फिल्मोग्राफी का मैं क्या ही नाम लूँ, सबको पता है कि उन्होंने क्या क्या बेहतरीन फिल्म बनाई है, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इस बार वो आ रहे हैं डंकी के साथ। और भाई सिंपल सी बात है, मतलब जितनी उम्मीदें MBBS और 3 इडियट्स और ये, अब जो डंकी आई है और ये सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट अवेटेड मूवी है इस पूरी के पूरे साल की, और हैट्रिक देने जा रहे हैं शाहरुख खान इस पूरे के पूरे साल में। तो भाई मतलब आप देखो, पठान के बाद कितना तगड़ा था जवान, और अब जवान के बाद डंकी, और मतलब और ये ढंकी नहीं, बहुत ही तगड़ी पिक्चर होने वाली। ढंकी में उनका नाम भी बहुत सही है, हार्डी, क्योंकि ये साल उनका बहुत ही ज्यादा हार्ड गया भाई। और मतलब शाहरुख खान के लिए सब ज्यादा वेट कर ही रहे हैं, बट विक्की कौशल की भी दूसरी पिक्चर होगी, बहुत अच्छी है। फिल्म में आपको शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, बोमन ईरानी है, तापसी पन्नू है, विक्की कौशल है, काफी और भी काफी लोग, जैसे जैसे और ड्रॉप्स आएंगे तो पता चलेगा और क्या क्या कास्ट है, क्या क्या परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। और राजकुमार हिरानी और मेरे को लगता है जब बोमन भाई साथ आते हैं तो दैट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन। आप देखो कि एक्टर्स और मेन लीड हमेशा चेंज होती रहती है उनकी पिक्चर में, लेकिन एक बंदा है जो मतलब ज्यादातर उनकी पिक्चर में होता है वो भाई है। और 3 इडियट्स में देख लो, फ्रॉम स्ट्रेट मुन्ना भाई MBBS टिल डंकी साथ भाई, साथ ही साथ निभाना। इट्स लाइक बुमराह और मोहम्मद शामी की जोड़ी है, एक तरफ जैसे रोहित और विराट बन रहे हैं शाहरुख के साथ, तो वहां पर ये बुमराह और वो है, तो विनिंग कॉम्बिनेशन, जीत पक्की है, वन साइडेड हो गया। अब देखना है कि किस लेवल पे जाके ये पिक्चर मतलब शॉक करती है लोगों को, क्या इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, क्योंकि एक ड्रॉप में कहानी पता चली है लेकिन ये कहानी कैसे सुनाई गई है, दैट इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग। बीच में ये भी सुनने को मिल रहा था कि सलार से क्लैश हो रहा है, बट सलार इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, इट्स कंप्लीटली लाइक मास एक्शन फिल्म, एंड डंकी इज अ फैमिली एंटरटेनर, इज अ होलसम एंटरटेनर, तो दोनों की ऑडियंस ही बहुत अलग है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सलार एज वेल, बट अगर दोनों फिल्में आएंगी तो मैं ऐसा नहीं कि ये देखूंगा वो, मैं तो दोनों देखूंगा। तो हम रिव्यू करेंगे इसी तरह, और होपफुली भाई ड्रॉप 2 भी है, और मतलब ड्रॉप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये बहुत एक तगड़ी चीज है भाई। कि भाई ने बताया कि ट्रेलर वेलर नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर नहीं आएगा, 2 या 3 ड्रॉप्स आएंगे, और उसके बाद क्योंकि इट्स ऑलरेडी नवंबर और दिसंबर में आपकी फिल्म आ रही है, तो और ट्रेलर भी आ जाए तो हम तो और खुश है, जितना हमको देखने को मिल सकता है, जितना एंजॉय करने को मिल सकता है वो मिले। टीजर आया अभी तो सॉन्ग्स भी बाकी हैं, काफी कुछ बाकी है, क्रिसमस पे अच्छी फिल्म आ रही है, सबको एकदम लाइट माइंड करने को मिलेगा सारी टेंशन ईयर के एंड में। और राजकुमार हिरानी की फिल्म, जैसे सलमान भाई की फिल्म ईद पे, जैसे शाहरुख भाई की फिल्म दिवाली पे, वैसे राजकुमार हिरानी की फिल्म अगर न्यू ईयर पे आ जाए तो भाई बात बन जाए। लेजेंड भाई, दोस्तों इसके साथ लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे भाई, लाइक सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब, और कमेंट करके बताओ भाई हाउ एक्साइटेड यू गाइस आर फॉर SRK X राजकुमार हिरानी। यस, लव यू ऑल।